दोस्तों आईपीएल 2022 के मुकाबले लगातार और हर रोज हो रहे हैं और कुछ बेहतरीन मैच अभी तक देखने को मिले हैं। टूर्नामेंट में लगभग हर टीम अपने तीन तीन मैच खेल चुकी है और अभी तक कुल 15 मैच हो चुके हैं। वही आईपीएल पॉइंट टेबल भी हर नए मैच के साथ बदल रही है। गुरुवार 7 अप्रैल को टूर्नामेंट का 15वां मैच खेला गया, जिसमें लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स की टक्कर हुई। लखनऊ इस मुकाबले में दिल्ली को 6 विकेट से हराते हुए न सिर्फ जीत की हैट्रिक लगाई बल्कि पॉइंट टेबल में भी ऊंची छलांग लगाते हुए दूसरा स्थान हासिल कर लिया। वही दिल्ली आखिरी 4 टीमों में बनी हुई है। नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में गुरुवार को हुए इस मुकाबले में दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 3 विकेट खोकर 149 रन बनाए। टीम के लिए पृथ्वी शाह ने सबसे ज्यादा 61 रन बनाए। इसके जवाब में लखनऊ ने क्विंटन डिकॉक के बेहतरीन 80 रनों के दम पर आखिरी ओवर में सिर्फ 4 विकेट खोकर इस लक्ष्य को हासिल कर लिया और अपना लगातार 3रा मैच जीता। वही दिल्ली को 3 मैचों में लगातार दूसरी हार मिली। दोस्तों लखनऊ और दिल्ली के मैच के नतीजे के बाद पॉइंट टेबल के ऊपरी हिस्से में बड़ा बदलाव हुआ है। पहले स्थान पर तो अभी भी कोलकाता नाइट राइडर्स जमी है, जिसने एक दिन पहले ही मुंबई इंडियंस को हराया था। उसके सबसे ज्यादा 6 पॉइंट्स हैं। वहीं लखनऊ के भी अब 3 जीत से 6 पॉइंट्स हो गए हैं, लेकिन उसका नेट रन रेट 0.256 है, जो राजस्थान से काफी कम है। यही कारण है कि लखनऊ को फिलहाल दूसरे स्थान से काम चलाना पड़ रहा है। हालांकि इससे पहले वह 5वें स्थान पर थी। वहीं लखनऊ की एंट्री से बाकी टीमों को नुकसान हुआ है। राजस्थान रॉयल्स 3 मैचों से 4 पॉइंट्स के साथ 3रे स्थान पर खिसक गई है। इसी तरह गुजरात टाइटंस के भी 4 पॉइंट्स हैं, लेकिन वह नेट रन रेट के कारण राजस्थान से पीछे 4थे स्थान पर पहुँच गई है, जबकि पंजाब किंग्स 4थे से 5वें स्थान पर लुढ़क गई है। वही पॉइंट टेबल के निचले हिस्से में इस नतीजे से कोई बदलाव नहीं हुआ है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर अभी भी 4 पॉइंट्स के साथ 6ठे स्थान पर है, जबकि हार के बावजूद दिल्ली 7वें नंबर पर है, उसके 2 पॉइंट्स हैं। अगर आखिरी 3 टीमों की बात करें तो 8वें नंबर पर चेन्नई सुपर किंग्स है, जबकि मुंबई इंडियंस 9वें नंबर पर है। दोनों टीमें अपने पहले 3 मैच हार चुकी है। वही आखिरी स्थान पर सनराइजर्स हैदराबाद है, जो अपने 2 मैच हार चुकी है और उसका नेट रन रेट भी सबसे खराब है।